हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दाम्पत्य जीवन में आई खटास के बाद पति पत्नी आए तो थे पारिवारिक न्यायालय के जरिए विवादों का निस्तारण करवाने, लेकिन दाम्पत्य जीवन की डोर को तोड़ चुके इन पति पत्नियों ने भी नहीं सोचा था कि उनका विवाह दोबारा न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में दोबारा होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए शनिवार को पारिवारिक न्यायालय में शहनाई तो नहीं बजी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों ने और अधिवक्ताओं के प्रयासों से चार परिवारों की जिंदगी जरूर बच गई। यह पति पत्नी लोक अदालत के प्रयासों के चलते अपने सभी विवादों को भुलाकर राजी खुशी न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर मुंह मीठा करवाया और जीवन भर के लिए एक दूसरे के हाथ थाम कर अपने घरों की ओर चल पड़े। शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मोहिता भटनागर तथा अधिवक्ताओं के प्रयासों से लोक अदालत में 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जो सभी पारिवारिक विवादों के चलते लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन थे। इन 12 मामलों में से 4 परिवार ऐसे थे जो सभी विवादों को खत्म कर एक दूसरे का हाथ थाम कर घरों की ओर लौटे हैं। इस मौके पर न्यायालय की ओर से पति पत्नी को मिठाई भी खिलाई गई और साथ रहने का वचन दिया गया। इस दौरान न्यायिक अधिकारी और विधिक प्राधिकरण के सचिव शरद व्यास मौजूद थे। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।